26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंगलवार को महानगर के कलेक्टर परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ध्वजारोहण किया। उसके बाद सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए शपथ दिलाया। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को शपथ दिलाया। इस संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण महामारी में हमारे पुलिस के जवानों ने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी जान जोखिम में डालते हुए समाज के लिए ड्यूटी का निर्वहन किया, वह धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, यह शुरुआत अपने घरों से शुरू करें, तभी स्वच्छता पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह हम सभी लोगों को दृढ़ संकल्प है कि हम अपने कर्तव्य निष्ठा का और कड़ाई से अनुपालन करेंगे और आम जनमानस को 100% सुरक्षा और समाज में शांतिपूर्ण माहौल का वातावरण कायम करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एकत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। विश्राम होगा। हमारे हिस्से का जो सहयोग है, हमारे हिस्से का जो निर्माण है, हमारे हिस्से की जो जिम्मेदारी है, हमारे प्लेटफार्म के जो दायित्व है, उनको हम बखूबी निभाएं। आज के दिन का मतलब यह है, उन तमाम अमर शहीदों को, तमाम सपूतों को जिन्होंने दुनिया के सारे वैभव छोड़ करके आजादी की लड़ाई में अपने को झोंक दिया, जिनके बलबूते आज हम तिरंगा आन बान शान से फहरा करके खुली हवा में आपस में बातें कर रहे, एक दूसरे का संबोधन कर रहे हैं, सुन रहे, उनके बलिदानों को याद करने का इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता कि हम अपने हिस्से के हिंदुस्तान के निर्माण में अपनी पूरी भूमिका अदा करें। 130 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 130 करोड़ हिंदुस्तान हम हैं, 130 करोड़ हिंदुस्तान ये हैं, 130 करोड़ हिंदुस्तान ये। हम ये मान लेते हैं कि ये सामने वाले की जिम्मेदारी, ये दूसरों की जिम्मेदारी, यही कहीं ना कहीं जो हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो हमारी भूमिका होना चाहिए, हम उससे विचलित होते हैं। जब हम ये मानेंगे 130 करोड़ हिंदुस्तान हम हैं, और जब यहां खड़ा एक एक आदमी ये भावना मान लेगा और 130 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हमारा है, उसको हम करें, तो मुझे नहीं लगता कि जो सपना देखा गया था आजादी का, वो सपना जिस मंजिल तक पहुंचना चाहिए, उस मंजिल तक पहुंचने में किसी तरह का कोई विलंब होगा, कोई व्यवधान होगा। सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सिर्फ झंडा फहरा लें, सलामी कर लें, जनगण मन गा लें, हम अपने हिस्से का हिंदुस्तान बनाएं, तो ये तिरंगा बुलंदियों पर पहुंचेगा। भारत जो आज विकसित देश है,
विकासशील से विकसित देशों की श्रृंखला में हुए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह पूरे देश में मनाए जा रहे हैं, या यूं कहे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी भारतवंशी लोग हैं वो अपने गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। उसी क्रम में पुलिस ऑफिस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जनगणमन की धुन के साथ उसे राष्ट्रीय सैल्यूट किया गया और उपस्थित सभी कर्मचारियों को संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है वो शपथ के रूप में सबको दिलाई गई। और सबसे ये उम्मीद की गई, अपेक्षा की गई कि हर व्यक्ति का अपने अपने प्लेटफार्म पर एक दायित्व है, हर व्यक्ति अपने हिस्से का हिंदुस्तान है और वो अपने हिस्से के हिंदुस्तान के निर्माण में जो उसकी भूमिका है उसको बखूबी निभाए, तभी ये हिंदुस्तान जो विश्व गुरु का दर्जा था इसका, उसको फिर से प्राप्त कर सकेगा। और हम विश्वास करते हैं कि सभी अपने हिस्से का हिंदुस्तान बनाएंगे, बना रहे हैं और निकट भविष्य में हिंदुस्तान को उसको विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में सबकी अपनी भूमिका होगी और हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बन करके खड़ा होगा। हमारा तिरंगा बुलंदियों पर स्वच्छंद हवा में लहराएगा।